नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। अगर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे मिलिए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, और मेरे साथ हैं अजीत चौधरी जी, और इनसे मैं बात करने वाला हूं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में। ये प्योर कस्टमर रिव्यू होने वाला है। इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है और कितना इनको माइलेज मिलता है, कुल मिलाकर इनका अनुभव क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ओके, तो ये है अजीत भाई, आप देख सकते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है कि सबको सब कुछ छुपा के रखना पड़ता है, बट फिर भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं ये मास्क भी हटाऊँगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखूँगा। तो आइए अब बात करेंगे अजीत भाई से, और एक एक सवाल उनसे करेंगे इसके बारे में। तो अजीत भाई, आपने कब खरीदी थी गाड़ी? इस गाड़ी को पूरा एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 2018 लास्ट। अच्छा, कितने में पड़ी थी आपको? 22 लाख। और अब तक कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बेस्ट है, मुझे मज़ा आ गया लेने के बाद। इसे मैंने इतने कम टाइम में 40,000 किलोमीटर चला चुके। 40,000 किलोमीटर आपने लगभग 2 साल भी पूरा नहीं हुआ चला लिया है, तो आपको कितना माइलेज मिला इससे? गाड़ी का एवरेज बड़ा अच्छा है, मतलब मेरी ड्राइविंग पे इजीली 15 का एवरेज निकाल देते हैं। इसके पहले क्या चलाते थे आप? इससे पहले होंडा सिटी। तो होंडा सिटी से आपने इस पे क्रिस्टा पे अपग्रेड किया? सही का, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अपग्रेड किया, बट वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक SUV फील भी है। अच्छा, तो आपने पहले से मन बनाया हुआ था यही लेंगे, या फिर कोई सब कुछ देखने तलाशने के बाद कहीं और भी दिमाग था इसके बाद ही खरीदा? काफ़ी सारे ऑप्शन थे, जैसे कहा मैंने 22 लाख की गाड़ी है, बट कहीं ना कहीं एक मार्केट में सर्वे करने के बाद, लोगों से डिस्कस करने के बाद, तो टोयोटा जैसे कि एक ट्रस्ट है, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन, अगर मैं 22 लाख रुपए खर्च करूं तो टोयोटा क्यों ना लूं। सिंपल, अपनी मतलब यूटिलिटी चेक करता हूं पहले तो। ओके, मेरे को चाहिए क्या? इस गाड़ी ने मेरे को सब कुछ दिया, कम्फर्ट दिया सबसे बड़ी चीज़, एक SUV वाली फील दी है, जैसे कि आपको पता ही है नई इनोवा की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ा दी गई है। ओके, तो फीचर्स अपग्रेड कर दिए हैं, हाँ, बट थोड़ा बहुत है चीज़ें जो खलती हैं। ओके, इतने पैसे तो जो चीज़ें खलती हैं उसका जिक्र करेंगे इसके अंदर चल के। तो इस गाड़ी ने इनको बहुत कुछ दिया है, और इनको क्या कुछ दिया है ये सब कुछ जानेंगे जब हम इसको चलाकर बात करेंगे। तो अजीत भाई से बोलेंगे, चलिए अजीत भाई अंदर देखते हैं, आपको जो कुछ मिला है सब बताइएगा, क्योंकि अगर एक गाड़ी बहुत कुछ दे जाती है तो इसका मतलब है कि उसने आपका दिल जीत लिया है। अजीत भाई, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे कि आपको माइलेज कितना मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी चाहे आप स्प्लेंडर चला रहे हो या फिर BMW की X7 चला रहे हो, X5 चला रहे हो, Q7 चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, लोग इंडिया में एक सवाल जरूर करते हैं कितना देती है, तो ये वाला कितना देती है? माइलेज की बात करूँ तो पहले जैसे कि काफ़ी लोगों पे देखा मैंने, मतलब हम काफ़ी जब डिसीजन बनाते हैं तो अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं लोग कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ओके, तो पहले के मुकाबले इस गाड़ी ने मतलब टोटली चेंज कर दिया। माइलेज की बात करूँ तो मेरी ड्राइव पे मेरे को इजीली, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, 15.1 आ रहा है एवरेज, ठीक है। तो मेरा ड्राइव करने का तरीका बड़ा सही है, जो कि मैंने गाड़ी लेते हुए थोड़ा मेरे को वहाँ के लोगों ने, अगर मैं सिटी की बात करूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी है सिटी में भी लोग चलाते हैं, क्योंकि डेली ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं और बाहर भी निकल जाते हैं फैमिली को लेके, बड़ी परिवार जिनका होगा, तो हर जगह ये काम आ जाती है। तो सिटी में कैसा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा? देखिए, जैसे कि फैमिली कार है, इनोवा को सब फैमिली कार के नाम से जानते हैं, ठीक है और सिटी में अगर क्राउड वाली जगह है तो थोड़ा बहुत तो आपको मतलब एक पेन होगा, क्योंकि बड़ी कार को ड्राइव करना छोटी जगह में, तो ऐसा होता है कि, तो आपको पता ही होगा कि हाथी है, हाथी को जगह तो चाहिए चलने की, अब उसे मैनेवरेबिलिटी अच्छी है इसकी, तो कहीं से इजीली कार जैसे ड्राइव, हाँ, इजीली हैंडल हो जाती है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स अपग्रेड करे हैं, हैंडलिंग बड़ी अच्छी है, स्मूथ है, मतलब ड्राइविंग पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, वैसे नहीं कह सकता बहुत ज्यादा हार्ड है ड्राइव। अच्छा, कई बार देखा गया है
अजीत भाई आपने देखा होगा, जब तक शादी नहीं होती तब तक मोहब्बत जमा रहती है। तो जैसे गाड़ी नहीं मिली तब तक तो लोग बहुत पगलाए रहते हैं कि गाड़ी लेनी है। तो गाड़ी खरीद लेने के बाद जब आपकी हो गई तो आपसे कोई शिकायत भी हुई इससे? नहीं, जैसा कि मैंने बताया इतने कम टाइम में 40,000 किलोमीटर चलाना मजाक बात नहीं है। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा इससे मोहब्बत है और वो मोहब्बत इस लॉकडाउन में भी बरकरार है। ओके, और ये बरकरार ही रहेगी। तो ये वजह क्या है, मतलब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? क्योंकि देखिए, इनोवा को एक बार लोगों ने टैक्सी कार के तौर पर प्रमोट कर दिया, बोला कि ये टैक्सी जैसी गाड़ी है, तो टैक्सी के तौर पर यूज करते थे क्योंकि ये वहां पे भी वैल्यू क्रिएट कर जाती है। तो आम जन की कार की तरह साथ साथ ये जो है टैक्सी में भी बहुत यूज होती थी, लेकिन एक क्रिस्टा में बहुत ज्यादा ये और प्रीमियम हो गई, लोगों के लिए और वैल्यू क्रिएट करने लगी। तो अभी इस लिहाज से बात करें आपको, तो कहीं से कुछ लगा कि ये चीज होती इसमें तो और अच्छा रहता? हाँ, इतने जैसे कि मैंने बताया 22 लाख की मेरे को ये गाड़ी पड़ी, तो कहीं ना कहीं फीचर्स को लेके मैं थोड़ा सा मेरे को मतलब मायूसी हुई कहीं ना कहीं। कौन सी मायूसी वाले फीचर्स थे जो नहीं मिले आपको? सबसे बड़ा मतलब आप जब ड्राइव करते हो और आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो आपका दोस्त आपका म्यूजिक होता है, म्यूजिक सिस्टम है ना, इन्फोटेन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, तो वो अपग्रेड नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गाड़ी में एक आवाज़ मतलब जो एक साउंड आनी चाहिए वो साउंड नहीं है। ओके, तो मैं टोयोटा से यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पे काम करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा BS6 वाली भी इनोवा आ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंज वगैरह नहीं है, इंजन में चेंज है क्योंकि BS6 हो गया। तो अभी आपको लगा, देखने का मौका मिला कि BS6 इनोवा क्रिस्टा देखा जाए? नहीं, अब जो मेरे पास है वो बेस्ट है क्योंकि आपको पता ही है जो भी चेंजेस हुए होंगे हैं, जैसे कि मैंने भी थोड़ा बहुत पता किया है, छोटे मोटे चेंजेस हैं और वो चेंजेस कोई मायने तो रखते नहीं इतना। तो हाईवे पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 में से कितने नंबर देंगे आप, और परफॉर्मेंस पे अच्छी क्या चीज़ लगती है आपको इसमें? परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ हाईवे की, जो मैं सही में बताऊँ, मैं कोई स्पीड पे ड्राइव नहीं करता, 100-120 मैक्सिमम, तो मेरे लिए बेस्ट है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 out of 5। अच्छा, गजब, ये तो बहुत, इतना नंबर किसी ने नहीं दिया होगा। नहीं, मेरे को तो सारी चीजें, जो मेरे को अच्छा लगा, जैसे कहीं बीच-बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं तो वहां पर कभी पीछे आपका पूरा परिवार बैठा हो, किसी ने कंप्लेन किया हो भैया मैं उछल गया? वो तो होगा, वो जो सबसे 7-सीटर हम बोलते हैं, जो पीछे की सीटें हैं उसमें तो कंप्लेन आएगी। आपको पता है गाड़ी लंबी है, अच्छा, और जब जंप लेती है तो पीछे वाले लोगों को काफी दिक्कतें तो होंगी। पर इनोवा में कहा जाता है कि थर्ड सीट भी बड़ी कंफर्टेबल होती है, तो आप उससे कितने सहमत हैं? वो तो बाहुबली वाली सीटें हैं। अगर भैया गाड़ी मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है तो मैं इसमें बैठ के चलना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने एक महल ले लिया जैसे, अब अकेले ड्राइव कर रहे हो, तो खलता नहीं, कमी नहीं खलती, अकेलापन लगता होगा कि भैया, तो अकेलापन कैसे दूर होता है इसमें? ये दोस्तों अदरवाइज मत लीजिएगा क्योंकि मैं इसकी यूटिलिटी स्पेसेस के उस पे जा रहा हूँ कि इस पे कितना कम्फर्ट है, मतलब जब आप पूरे, क्योंकि दोस्तों को भर के चलकर चलना पसंद करते होंगे तो कितने कम्फर्टेबल रहते हैं आपके जो दोस्त हैं या आपके परिवार के लोग, कितने कम्फर्टेबल रहते हैं पीछे बैठ के? तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए पार्टी कार का भी काम करती है। अच्छा, क्योंकि जब दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, आपको भी पता है एक जगह चाहिए होती है, एक माहौल होता है, तो सारे दोस्त बड़े मतलब सेटिस्फाई रहते हैं और वो जो हमारी ड्राइव होटल नहीं तलाश करता, वो जो जर्नी होती है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड कब निकल जाता पता भी नहीं चलता इसमें। सीट का अगर कम्फर्ट की बात करें तो उससे कितने खुश हैं आप? सीट के कम्फर्ट की मैं बात करूँ, ड्राइविंग तो जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं, इम्प्रूव कर दी है, तो इसमें तो कोई पेन कोई नहीं। अलग से भी काम करवाया इसमें? नहीं, कुछ कोई काम नहीं कराया और काम कराने के लिए कोई जरूरत है भी नहीं, मतलब सब कुछ मिल गया था। हाँ, बस वही नॉर्मल। सर्विस पे कितना खर्च किया, कितनी सर्विस करवाई अब तक आपने 40,000 किलोमीटर में? 40,000 तक सर्विस तो हो चुकी है अच्छी खासी, अभी जो सर्विस कराई थी उसमें मेरा लगभग कितनी करवाई है आपने? हो गई है 6-7 सर्विस हो चुकी है। 6-7 सर्विस हो गई है, तो कितना खर्चा वो आया होगा कुछ आइडिया आपको? क्योंकि मुझे पता है कि मैं पुराना आपका इतिहास इसमें खंगालना पड़ेगा। फिर भी कहीं ना कहीं जब अभी लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले मैंने सर्विस कराई थी तो वो सर्विस मेरे को पड़ी थी 7,000 रुपए की, जो कि 40,000 किलोमीटर वाली थी। अच्छा, जिसमें कि फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं, सिर्फ वो मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वरना मैक्सिमम सारी सर्विसें 3,000-3,500 मतलब 3,500 तक हो गई है। तो सर्विस मतलब आपको नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत रहा? सर्विस सेंटर पर जाके कितने सेटिस्फाइड रहते हैं, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, ट्रीटमेंट अच्छा है,
बट कहीं ना कहीं उस ट्रीटमेंट पे और थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपॉइंटमेंट कराने के बाद भी पता नहीं होता आगे। किस जगह करवाते हो सर्विस आप? उत्तम टोयोटा मैक्सिमम गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, उत्तम भी कराई है मैंने, नोएडा भी कराई है। ओके, तो जिस लोकेशन पे अगर सपोज करो मेरे को नोएडा काम है तो मैं उधर छोड़ दूँ। और भी गाड़ियाँ आपने ड्राइव की थी तो उसके सर्विस सेंटर से बात करें इसमें, तो आपको 5 में से कितने नंबर दोगे? अगर मैं टोयोटा के सर्विस की मैं बात करूं तो 5 में से 4 दूंगा। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा नहीं है, तुलना में ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ट्रीट किया जाता है वो बड़े अच्छे से ट्रीट किया जाता है। क्या करते हो अजीत भाई आप, पर्सनल सवाल? मेरा अपना काम है, बिजनेस है। अच्छा। जैसे कि अच्छा हुआ इस फील्ड में हूँ मैं, वरना करंट सिनेरियो जो चल रहा है आप भी देख रहे हैं लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जॉब्स कट डाउन हो रही हैं। तो इसके बाद अगर गाड़ी अपग्रेड करोगे, जैसे आप मसल्स वगैरह पूरा अपग्रेड कर रहे हो, तो गाड़ी अपग्रेड करोगे तो कहाँ जाओगे इसके बाद में ऊपर? मैं इसके बाद जाऊंगा सीधा फॉर्च्यूनर। अच्छा, फॉर्च्यूनर। हाँ, फॉर्चुनर पे अपग्रेड करोगे? हाँ, बाहुबली टाइप का आपका, क्योंकि आपने बाहुबली शब्द यूज किया था। करेक्ट, ये गाड़ी घर में खड़ी बाहुबली गई काम करती है। हाँ। और ये गाड़ियाँ मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि इंडियन रोड्स के मुकाबले इन गाड़ियों को कभी सोचना नहीं पड़ता कहीं ले जाने से पहले। तो ये वैल्यू फॉर मनी कार है। तो दोस्तों आपने देखा अजीत भाई की ये बाहुबली कार है, बहुत खुश हैं इससे, इस वजह से खुश हैं इन्होंने बताया। अब मैं बाद में उसको दोहराऊं तो सही लगेगा। इसके बावजूद अगर आप इनकी बात से खुश हैं तो आप लाइक करिए, और नहीं खुश हैं या कुछ सवाल करना चाहते हैं अजीत भाई से या अमित द्विवेदी से, तो तुरंत मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, amit.dwivedi मेरा इंस्टा हैंडल है, सवाल करिए, जवाब तुरंत मिलेगा आपको। खुश रहिए, ध्यान रखिए, एक कस्टमर रिव्यू था और ये BS4 इनोवा क्रिस्टा थी। तो कन्फ्यूज मत करिएगा कि मैं BS6 का लेके आया हूँ, क्योंकि BS6 अभी बिकना शुरू हुई है, उसका भी कभी रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे, वो भी कस्टमर रिव्यू, क्योंकि जब कस्टमर कहता है तो वो सच बात कहता है। अगर कस्टमर्स की सुन के आप गाड़ी खरीदोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।